भाई जान सबसे माल में से ठीक ठाक भाई, हम लोग जा रहे थे अपना व्लॉग बना रहे हैं, हम लोग व्लॉग के लिए यहाँ पे जो लड़ाई शुरू हो गई है, नहीं पता ये लड़ाई क्यों हुई है। ये आदमी रामेश अल्लाह कसम कुरान के ऊपर, तुम ये काम किया नहीं किया चाचू, तुम ये काम किया नहीं किया शायद आज लड़के रामेश एक घर में से मेरे बनाए ग्यारह दिन में भेजा भाई, ये बोलता मैंने नहीं किया, वो भाई बोलता चोरी नहीं किया, हम चोरी नहीं किया उस घर में। साइकिल किससे लिया? मेरे पास आप इससे खरीदा सर? कितने का खरीदा? 11 दिनार में। 11 दिनार में आपने इनको 11 दिनार का साइकिल दिया? आपने 11 दिनार का खरीदा? वो साइकिल था लाला का, सुपर साइकिल लाला का, सुपर साइकिल जो उसके दी साइकिल क्यों नहीं देगा? ये मोबाइल चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ है इधर से, बिल्डिंग में जाएगा एक मोबाइल आईफोन, वो आदमी मरुड़ में है। ओके हां वो रिपोर्ट भी लिखा है उरा पुलिस स्टेशन में, और एक आईफोन सा तुम्हारा घर जिन्हें मिल जा। तुम साइकिल चोरी किया नहीं किया? नहीं 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 किया। फिर जो तुमने साइकिल इसको बेचा वो कहां से आया? ये एक महीना का भाई है, पट्टा ने पास तीन दिन पकड़ा, कच्चा पकड़ देना। तुम साइकिल किससे 3 दिनार का पकड़ा? मकान कच्चे वाले से। हां यहां पे तो कच्चे वाले है ही नहीं। ये देखो उसके टायर ना फ्रेंड है। ए गली ये टायर पूरा फ्रेंड है। हां ये टायर पूरा फ्रेंड है। ओ टायर फ्रेंड है उसका, टायर बैंड है उसका। इधर आ भाई इधर आ। नाजरीन आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहरीन में माशाल्लाह हमारे मेन गुदेबिया में साइकिल चोरी हो गई है, और ये लोग बोलते हैं ये साइकिल अन्ना ने चोरी की है भैया, और अन्ना ये बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा साथ देगा टेंशन नहीं लो। ये भाई बोलते हैं मैंने अन्ना से साइकिल खरीदा 11 बीडी का, अन्ना बोलता है मैंने पठान कचरे वाले से जो है साइकिल खरीदा 3 दिनार का, मैंने 25 दिनार का, बोलता है मैंने 25 दिनार का साइकिल, मोबाइल हमारे कमरे से मोबाइल भी चोरी हो गया, पैसा भी चोरी हो गया, साइकिल भी चोरी हो गया। अब अन्ना भाई जो इस टाइम हमारे जो है गन्ने का रस पी के बिल्कुल घूमे हुए में, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अन्ना भाई बिल्कुल इस टाइम अपना होश गवा बैठे, गुम हो चुके हैं, बिल्कुल नशे में चूर है। तो मैं चाहता हूँ हमारे अन्ना भाई का साथ दे और हमारे खान साहब का भी साथ दे, लेकिन ये नहीं कह सकते साइकिल किसने चोरी किया है, क्योंकि अभी इनके पास प्रूफ और सबूत नहीं है। तो नाजरीन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरे को लगता है ये करते करते तूतू मैं एक बोलता है मैंने चोरी किया, एक बोलता है नहीं किया, एक बोलता है मैंने बेची, एक बोलता है नहीं बेटा, मेरे को लगता है लड़ाई हो जाएगी। और आवाम का ये देखे मजमा, ये नाजरीन सारी आवाम बैठी हुई है इधर स्टेज पे, बिल्कुल अन्ना और खान साहब की लड़ाई देखने के लिए इधर लेके आइए। अन्ना और खान साहब अन्ना के पीछे जा रहे, लेकिन अन्ना पकड़ाई में नहीं आ रहा, क्योंकि अन्ना चस्के मध्य में है। अन्ना स्टेम फुल गन्ने का रस पी के थरूर में, आपको आओ आगे की स्टोरी दिखा, आओ अन्ना बुला रहे, अन्ना बुला रहे, अबे उंगली हटा उंगली, हाँ ले आ ले आ इधर ले आ नादरी। अन्ना अभी हम लोग दिया, अबे मोबाइल सही से पकड़, गिरगट अभी अन्ना बोलेगा टेंशन नहीं, अन्ना हमारा भाई भी है, सब जानते हैं अन्ना को, बाकी इंशाल्लाह आगे की। हाँ तो यार मैं अभी घर से निकला हूँ, वो लड़ाई हो गई थी आप लोगों ने देखी होगी वीडियो काफी ज्यादा। बाद में जो है अल्लाह माफी दे, वो जो बंदा था वो अन्ना वो हिंदू था, और जो हमारा पठान भाई था वो मुस्लिम था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस हिंदू बंदे ने जो कुरान पाक उठा के ले आया यार, वो मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि मैं निकल गया था, छोटा भाई गया था, उसने बताया, उसने कुरान उठाया, फिर मेरे भाई को भी गुस्सा आया, बलोच भाई थे हमारे वो भी जमा हो गए, मेरे भाई ने उस पठान पे भी गुस्सा किया कि यार तू पठान है तू मुस्लिम है, वो हिंदू है और वो नशे में है, तुम साइकिल पकड़ो और जाओ, तुम ये ऐसी ऐसी चीज़ें मत बोलो, इल्ज़ाम मत लगाओ, हम लोग गुनाहगार हो रहे हैं, हम मुसलमान लोग हैं, और वो बंदा कुरान पाक उठा के ले आया, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो यार, वो गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू बंदा है नशे में और तुम उसको इतना मजबूर कर रहे हो। तो वो लड़ाई ख़त्म हुई है, तो अभी मेरा दोस्त आया उससे मिलने जा रहा हूँ, हम लोगों ने एक मीटिंग पे जाना है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो अभी मीटिंग में जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जुफेर गेट पे जो है मीटिंग है वहाँ पे ओनर के साथ होटल को लेके थोड़ी वो मीटिंग करूँगा, फिर उसके बाद जो है आपको बात की बात बताऊँगा। लेकिन आज हमारे जायद भाई उदास बैठे हुए हैं, ये नहीं पता जैसे कोई इनकी कोई मुर्गी चुरा के भाग गया है, क्या हो गया है, अल्लाह खैर करे। तो जायद भाई मेरी जान क्या हो गया, तू नाराज नहीं बैठा कर, बाबा जी बेरीन है यार। नहीं नहीं पुष्पा मूवी देख रहा हूँ। अच्छा ये पुष्पा देख रहा है, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला, अबे क्यों नहीं झुकेगा, झुकना तो पड़ेगा तेरे को, ऐसे करोगे तो कौन आएगा, वो कहते हैं ना ऐसे करोगे तो कौन आएगा। दाज भाई सुनो डायलॉग सुनो,
कहते हैं ऐसा करोगे तो कौन आएगा। आगे से बाबा जी क्या बोलते हैं पता है, जितना झुकोगे उतना दिया जाएगा। दिए से दादा भाई। हाँ तो ये हमारे आजम भाई आ रहे हैं, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं जैसे पता नहीं चार पांच बंदों को अकेला ये फोड़ने जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला चार पांच बंदों को फोड़ के आएगा, मैं अकेले इसके लिए काफ़ी हूँ। सलाम अलैकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं मीटिंग पे, आजम भाई होंगे मेरे साथ, साथ में और दो भाई भी होंगे हमारे, ठीक है। तो आजम भाई जाते हैं मीटिंग, होटल वालों से करते हैं और देखते हैं क्या अपना सूरत हाल निकलती है, क्या रिजल्ट निकलता है, कितनी वो हमारी शर्तों में उतरते हैं। क्योंकि जाहिर बात है कुछ हम शर्तें रखेंगे, कुछ वो रखेंगे, फिर एग्रीमेंट बनाएंगे। तो इंशाल्लाह देखो उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टर है और जो ओनर है वो उसके बाद देखो क्या कहता है या डन करता है नहीं करता है, उसके बाद आपको बताएंगे। यार भूख बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ खाना खा लें। तो मैं गुदेबिया में ये जो आ गया है हाउस ऑफ देसी टेस्ट, हाउस ऑफ देसी टेस्ट, तो मैंने बोला चलो यहाँ जाके आज खाना खा लेते हैं। तो जाके देखते हैं। अच्छा अचानक गए हम लोग अंदर, हाँ कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है किसी मामले में भी। अंदर आए देखे माशाल्लाह छोटा सा बहुत प्यारा सेटअप बने, साफ सुथरा सा इनका, ठीक है। तो ये सेटअप इनका बहुत प्यारा है और हाय 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 हाय, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कराची की सिंध बिरयानी आ गई है जी। और ये हमारे डीजे आजम लॉलीपॉप, ये हमारे भाई, आप शेफ है मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक करिए, शेफ है आप माशाल्लाह, कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ से? कराची। कराची, वाह जी वाह, ये भी बाबा जी के इलाके से निकल आया, ठीक है ना। पंजाब है, पंजाब, पंजाब का। कराची कहाँ से? गुलशन, गुलशन में मार या गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल से जबरदस्त हो गया बचपना गुजरा है नॉर्थ कराची और गुलशन इकबाल और ये सब चीज़ें। तो अभी इनका अंदर का विजिट मैं आपको दिखाता हूँ, विजिट करें आप। माशाल्लाह सफाई नीचे भी देखें आप, चमक रही है। और ये बारबेक्यू का सेक्शन है आपका, और ये इनका देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा है, ज़्यादा उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ देखें। अच्छा अब हम इनको ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर में देखते हैं ये हमें क्या खिलाते हैं और पूछते हैं। हाँ तो भाई इधर बैठ जाए, हम लोग आ जाओ फिर हमारे पास आ जाओ, आ जाओ। अच्छा इसकी सुन लो, घर पे कोई सुनता नहीं, सुना दे मैं सुन रहा हूँ। मुझे इसने मावा खिलाया मेरी गाल सारी है, तो कुछ भी नहीं दो इधर आओ। अच्छा हाँ हमें आपसे ये पकड़ा था जरा भाई, भाई का ऑर्डर लेना है, वीडियो उंगली हटा सही से बना, सीधा कर मोबाइल ऐसे सीधा रख दूँ। ओके डन भाई की तरफ। भाई खाने में क्या क्या है? खाने में क्या क्या है? क्या बोल रहा थोड़ा पास आ जाओ, क्या खाएंगे खाने में आप मुझे बताओ, आपका स्पेशल है। स्पेशल है हमारे पास चिकन कढ़ाई है। ओके बिरयानी बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारी। क्या क्या है? चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और सही है। और इसके अलावा दाल है, मखनी दाल हो गई, अचारी दाल हो गई, ये सब मिल जाती है, मिक्स सब्जी हो गई, आलू पालक हो गया। यार ऐसे बोलो ना जैसे बोलते है ना अपना चने की दाल है, लोबिया की दाल है, मसूर की दाल है, भिंडी है, करेला है, लौकी है, तोरी है, मटर कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, बीफ नहीं आ रही है अली में, ये सब भाई को बता रहे वो किधर है, वो भी कराची का है ना, अल्लाह वो मेरे को जानता है, मंसूर को जानते हो नहीं? अच्छा वो किधर काम करते हैं भाई कराची में? कराची में रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ अपना जो है ना रिश्तेदार मेरा कजन है, काम करता है वहाँ। मैं वीडियो में नहीं बोल सकता मेरा क्या लगता है, इसलिए वो कजन है मेरा, तो वो काम करता है वहाँ पे। बाबा जी आपके लिए एक शेर है स्पेशल, सुना दो फिर भाई जान, सुना दो। ठीक है माशाल्लाह आज भाई मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मेरे जान, ये शेर है, शेर बहुत अच्छी लग रही है। चाहिए तो जादू तेरे ले ले कसम से, चाहिए तो ले ले वल्ला, जान भी आ जाए मुश्किल नहीं है। बाकी तूने जो मावा मुझे दे दिया ना मेरी दाल सारी खराब हो गई। ओके अच्छा यार हमने ऑर्डर तो दिया नहीं, ऑर्डर क्या दे रहे खाने का आज के ताना बेटे, ओए ऑर्डर क्या दे रहे खाने का, खाने का यार देख ले चाहिए फिर दादा, देख ले जल्दी जल्दी देख ले भाई। चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी और चिकन कढ़ाई थी ना भाई, बात सुनो बिरयानी चेक करवा सकते हो? नहीं यार हमारे पास फ्रेश बनती है डायरेक्ट, फिर मैंने फिर रहने दे फ्रेश बना के, फिर रहने दे आजम। हाँ बिरयानी नहीं कुछ और कर ले क्या, चलो
थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपको। ये मेन्यू देख रहे हैं हम लोग, मेन्यू डिसाइड करके फिर मंगवाते हैं, जो भी मंगवाएंगे आपको बता के फिर हम लोग खाएंगे, शुरू करेंगे। ओके, तब तक नमस्ते। हम सब कुछ समझते। सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे ठीक है? अच्छा, ये हमारे भाई माशाल्लाह कराची से हैं। और कराची की जगह गुलशरीबाग काम कर रहे थे आप? कराची वो जो मंसूर के साथ आप कर रहे थे? ज़ियाउद्दीन में माशाल्लाह। वहाँ क्या करते थे आप? ओके, जबरदस्त। तो पहले भी मिल चुका हूँ मैं भाई से, तो आज मेरी बात हुई थी मंसूर से, तो मेरा कजन है वो, तो बात कर रहे थे, अभी मैं गुजर रहा था, मैं कहा खाना खा के जाते हैं। तो भाई जो है हमारे माशाल्लाह शेफ है ना? जी सर, शेफ है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पेशल जो खाने आए हूँ भाई के पास से, बिहारी बोटी खाने आए हूँ। अभी आप हमें ये बता दो, बिहारी बोटी आप हमें खिलाओगे नहीं खिलाओगे? बिहारी बोटी सर नहीं होगी। क्यों? अरे बाप, खत्म हो गया, ऑर्डर कैंसिल। कुछ हल्का फुल्का, हल्के फुल्के में आएगा, हल्के फुल्के में आएगा टिश्यू। इधर भाई के पास है, थोड़ा अपने ना फुल अंदाज में, जैसे अपने कराची वाले बताते ना खाने में क्या 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 क्या, ऐसे करके बता दो मेन्यू में आपके पास क्या क्या है खाने में। उधर देख के फुल तेज बोल रहे हैं, लेके जा भाई फुल तेज। चिकन फ्राई है, चिकन अच्छा है, चिकन 65 है, चिकन शाश्लिक है, चिकन मटन कढ़ाई है, मटन अचारी है, मटन पुलाव है, मटन बिरयानी है। और चल, चिकन कढ़ाई, चिकन अचारी, चिकन कोरमा, चिकन हंडी, चिकन जल फ्रेजी, चिकन कीमा, चिकन पाला। और अपने बाद उसके बाद आता है बारबेक्यू, चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, बिहारी कबाब, चिकन बिहारी बोटी, बीफ सीख कबाब, अचार टिक्का, चिकन मलाई बोटी, करी टिक्का, चिल्ली चिल्लू कबाब और कस्तूरी बोटी और शिश बोटी। ओके, उसके बाद सब्जी में आते हैं, पालक पनीर मिक्स सब्जी, दाल अचारी, दाल पखनी, दाल चना, दाल माश तड़का वाजीवा, शील दाल, आलू भाजी, आलू पालक कड़ा और कड़ी कड़ी वो कड़ी। ओके, पनीर कबाब मसाला, भिंडी, आलू चना और अंडा चना है। उसके बाद चिकन बिरयानी, व्हाइट बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, मटन बिरयानी और मटर आलू पुलाव, चिकन पुलाव, मटन पुलाव और वेजिटेबल पुलाव। उसके बाद उनके पास और भी एवरेज आइटम आता है, कड़क टी और कश्मीरी टी आ जाती है, वाह जी वाह। चाइनीज आइटम में आ जाता है वेजिटेबल फ्राइड राइस आ जाता है, चिकन फ्राइड राइस आ जाता है, चिकन शाश्लेट विद राइस आ जाता है, देसी लस्सी आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, सही है। और उसके बाद लाल रोटी आ जाती है भाई जान। ये इनका मेन्यू है, तो ऑर्डर करते हैं, उसके बाद बताते हैं हमने क्या ऑर्डर किया और क्या खाया, फिर बताएंगे कैसा लगा। इसको बोलते हैं बाबा जी बहरे। ओके, हम लोग जो अभी खाने के लिए गए थे, सही है, होटल में, तो उनके पास इस टाइम जो आइटम था खाली वेजिटेबल पुलाव था और चिकन पुलाव था। और उसके बाद उनके पास जो चिकन में कुछ भी आप ले लो, चिकन कढ़ाई ले लो, चिकन का साला ले लो, बस ये था, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं था यार। मैं उनसे काफ़ी पूछा है लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं। मैं क्या खाता, मैं क्या वीडियो बनाता, इसलिए हम लोगों ने बोला चलो दूसरे होटल में, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इनका जो है ना मेस का सिस्टम है, यानी बहरीन में जितने भी घर हैं वगैरह वो काफ़ी इनको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर जो है उन तक पहुँचाते हैं, उन तक पहुँचाते हैं, तो इनके खाने बड़े टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं, सही है। और अपना शेफ भी कराची के, चटपटे और मज़ेदार जायकेदार खाने बनाते हैं, सही है। लेकिन अब इनके पास इसलिए अवेलेबल नहीं था, तो कह रहे थे इंशाल्लाह सामान लेके आएंगे सारा सुबह, फिर वही स्टार्ट है, तो इनका जो है ना पार्सल में बहुत चला जाता है, तो ये बात है और कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो हम लोग जहाँ मीटिंग है वहाँ पर जाते हैं यार, और क्या कर सकते हैं। अच्छा यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है ऐसे दोस्तों पे, छुतियों पे वाली हरकतें यार। पानी ला के दे दिए, अभी डाल के भी तो मुंह पे भी डाल दिया यार, ये पानी डाल यार, कोई तो गिलास में अपने लिए मिले थे यार, पानी बता के ना तो बैठ गया ना, पानी नहीं बड़ा ले। हाँ सही है ना, छोटा नहीं, छोटा नहीं भैया, ये पीते रहिए, क्या हो जाता है अलहमदुल्ला भाई। ड्रामे बाती देखो, नवाब का बच्चा 1 रुपए वाली बोतल पिएगा, तू 2 रुपए वाली ज्यादा पी ले भाई, तू 1 रुपए वाली पिएगा यार, चुटिया वाले काम करते हो तुम लोग यार। अच्छा हम लोग अभी होटल में आए, वहाँ हम खाना खाने गए थे, वहां तो हमें खाना नहीं मिला, जलील हो गए हम लोग। अब हम इधर इस होटल में आए, यहाँ हम लोगों ने इनको ऑर्डर दिया मटन कोरमे का, मजा आ जाएगा, खाते हुए दिखाऊंगा, सही है ना। बाकी पानी वानी आए अगर मुंह पे तो उसके लिए माजरत है, बस दुआ करना है कि अल्लाह
हजम करे खाना, ओके? आमीन। यार ये घड़ी बड़ी जहरीली लगी। हाँ तो भाई ये कोरमा आ चुका है माशाल्लाह, इनका कोरमा देखो यार। ओह जरा नवाला मार जल्दी, लॉलीपॉप जैसा मुंह नहीं बनाया अगर मम्मी डैडी वाला। चल चल जल्दी कर जल्दी कर, मैं समझ रहा था डायरेक्ट तू गोश्त पे हाथ मारेगा। चश्के कैसे आजम, सच बता। लजीज है। लजीज है हाँ, वाह जी वाह, ये खीर थोड़ी है जो लजीज होगा, ये साला ने कोरमे लजीज वालों में। हाँ तो भैया अभी बाबा जी बेबी बताएंगे कैसा है, कैसा लजीज है कि क्या है। वाह जी वाह, चल उंदा है उंदा, 12 मसालों से तैयार करता अपना ये जो है कोरमा, 12 मसालों से तैयार करता। वाह जी वाह, ओके कर। हाँ तो यार माशाल्लाह अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हाँ तो भाई पेट हमारा फुल हो गया है, अब हम जाके जो है गन्ने का रस पियेंगे वहाँ पे जाके, और बाद में अपने होश को घुमाएंगे। तो जो है फिर आगे की मैं बताता हूँ आगे कितने दोस्त आ रहे हैं, ओके वेट करो दोस्त। हाँ तो ठीक है बाबा जी बहरीन फिर हाजिर हैं, आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार कि आप लोग बाबा जी बहरीन की वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और मुझे बताएं कि वीडियोस कैसी बनाऊं, क्या किया करूं, जो भी नुस्खे निकाले भाई, ताकि मैं अपनी चीज़ें सही करूं। ठीक है, बाकी सबको लव यू ऑल।